इंडिया टुडे। आइए देखते हैं धामपुर की ये खास रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हिलाल अहमद, एडवोकेट प्रैक्टिशनर इन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स, शेरकोट मोहल्ला नई सराय से। जैसा कि आपको कल से जानकारी है इस बात की कि 2023 का बजट गवर्नमेंट ने प्रस्तुत कर दिया है कल, और उसके अंदर हम लोग क्योंकि बात करेंगे इनकम टैक्स की, हम इनकम टैक्स से संबंधित जो है फील्ड में हैं, इसलिए इनकम टैक्स से संबंधित हम आपको बजट की बात बताएंगे कि पहले जो होता था वो एक कंडीशन थी इनकम टैक्स में नेट इनकम को कवर करने की, जिसके अंदर 2,50,000 रुपए की इनकम को बाहर कर दिया जाता था नेट इनकम से, जिस पर कोई टैक्स नहीं होता था, और 2,50,000 रुपए से जो ऊपर की इनकम होती थी उस पे 5% का टैक्स लगाया जाता था, और उस टैक्स को भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंदर जो रिबेट आती है, सेक्शन 87A में जो रिबेट गवर्नमेंट हमें देती है टैक्सपेयर को, वो लाभ हमें मिल जाता था और वहां पर वो जो हमारी इनकम बनती थी वो कवर हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि पुराने सालों तक, अब से पहले के सालों में 5 लाख तक की अगर इनकम हो जाती थी तो किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, इनकम टैक्स टैक्स पर नहीं लगता था। अब 2023 के नए बजट में जो गवर्नमेंट ने दिया है स्लैब्स, नए स्लैब्स, उन पर एक पहली सरसरी नजर मार लेते हैं आप लोगों के साथ। 0 से लेके 3 लाख तक 0% का टैक्स है, 3 लाख से लेके 6 लाख तक की अगर नेट इनकम है तो 5% का टैक्स है, और 6 से 9 लाख तक की नेट इनकम है तो 10% का टैक्स है, 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15% का टैक्स है, और 12 से 15 लाख की अगर नेट इनकम होती है टैक्सपेयर की तो 20% का टैक्स है, और 15 लाख से अगर अबव हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो फिर 30% का टैक्स टैक्सपेयर पर लगता है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है जो 2023 के बजट में आई है कि 7 लाख रुपए तक की अगर नेट इनकम किसी भी टैक्सपेयर की है तो अब जो रिबेट होगा अंडर सेक्शन 87A में, वो 7 लाख तक के जितना भी टैक्स बनेगा वो सब रिबेट में एक तरह से लाभ दे दिया जाएगा टैक्सपेयर को। ये फायदा है। लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ अगर एक बात देखी जाए कि जो सेविंग्स की जाती थी जो अंडर सेक्शन 80C में, लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम था अंडर सेक्शन 80D।